से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। मैं ना जहां जाऊं ना आसमां जाऊं, आ जा हिस्से में तू मेरे। तू ठंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ठंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मिर्ज़ा गालिब कह गए कि होगा कोई ऐसा भी के गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। हाय हाय, होगा कोई ऐसा भी के डीजे को ना जाने, गाता भी वो अच्छा है तेज गाम बहुत है। झूठ बोले कबा काटे काले कपड़े से डरियो, वजीरे खजाना ने बिजली गैस टेलीफोन और हमारी सांसों पे टैक्स लगा दिया, तुम देखते रहियो। बस अब सुर में आ जाए साथ, क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तो शरीफ लाते हैं नुमान जा। अस्सलाम वालेकुम। इतना अच्छा लगता है जब मैं अपने सामने इतने प्यारे प्यारे चेहरे देखता हूँ, इतने खूबसूरत ऑडियंस देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, मिस्टेक को देखता हूँ, डार्लिंग डीजे को देखता हूँ, अपने म्यूजिशियन भाई लोग और हम सबकी तरफ से आप सब लोगों को वेलकम है मुज़ाकरात में। आज हमारे मुज़ाकरात में जो दो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनमें से मैं पहले मेहमान का तारुफ करवाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं। हमने जब उनसे रुजू किया प्रोग्राम में बुलाने के लिए, तो समहाउ दी फ्लाइट्स का कोई मसला था, तो हमने उनसे कहा कि हम सरकार आपको गाड़ी भेज देते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत पड़ी है, मैं जयपुर पे आ जाता हूँ। इतनी सादा तबीयत देखे। और ये वो क्वालिटी है जो आज के सियासतदानों में मुझे तो नजर नहीं आती। पखैर राखले कहते हैं, जी आया नु कहते हैं, जनाब मियां इफ्तिखार हुसैन साहब को। बन के मेरा परवाना आएगा इफ्तिखार खाना, कह दूंगी दिल भर जाना, बखैर राखले क्या कुर्बान या कुर्बान। बन के मेरा परवाना आएगा इफ्तिखार खाना, कह दूंगी दिल भर जाना, बखैर राखले क्या कुर्बान या कुर्बान। अभी साहब के साथ जो हमारी साथी यहाँ मौजूद हैं, हमारी कुलीग हैं, और मैं जब मेरे ख्याल में 9 साल का था तब से मैं उनके ड्रामे देख रहा हूँ। पहले दिन भी वो ऐसी थी और माशाल्लाह आज भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। वक्त और हालात ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं जाना मलिक साहिबा को। ऐसी बात जरूर करेंगे, हालांकि बात तो ये है, मेरी तो नानी ने बचपन में आपको देखा हुआ। एग्जैक्टली वो कहानियां सुना दी थी कि वो देखा इनका ड्रामा। और वो नानी कहते थे कि बच्चों एक नुमान होता था उसके साथ एक जिन होता था, दोनों ड्रामों में आया करते थे। एक जादूगर होता था वो सबके दरमियान में बैठा रहता था, तो एक जादूगर की बेवा थी वो कोने पे बैठी होती थी। पर सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और दूसरी बात ये बताइए कि ये मियां इफ्तिखार हुसैन पूरा नाम माशाल्लाह आपका, यहाँ पेशावर के मियाओं में और ये पंजाब के मियाओं में फर्क क्या है? आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे हालात में
ऐसे प्रोग्राम के लिए मुझे मधु किया है, शायद मेरा भी पहला तजुर्बा है। मैं प्यार से ये बात दोहराऊंगा कि इन जैसे साथी और आप जैसे साथी बेफिक्र रहें कि हम जैसे लोग होंगे तो इस मुल्क की बका की खातिर दहशतगर्दों से लड़के यानी इसकी बका के लिए जान देंगे, लेकिन आप लोगों को खुशी देंगे गम के। अरे रही ये बात के मियां, तो हाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा का मियां अलग है और पंजाब का मियां अलग है। यहाँ पे जिसके पास दौलत हो वो मियां होता है। हमारे पख्तूनख्वा में जो अस्ताने वाले हो यानी जो के वली की औलाद हो, बुजुर्ग की औलाद हो, अच्छा पैसा तो नहीं है लेकिन वो एक एहतराम जो मजहब के हवाले से है, तो हमारा अपना अस्ताना है इसलिए हमें मियां कहा जाता है। तो ये एक एहतराम की अलामत है जहां पे हम मियां कहते हैं। जी माशाल्लाह। आपकी पार्टी तो एक्शन पे बिलीव करती है, तो आज ये जो मेरी मजाकराती टीम है इसके साथ क्या करेंगे, मजाकरात करेंगे या कोई एक्शन करेंगे? सर मजाकरात ठीक है साढ़े लिए। नहीं आपसे तो चेयर मुझे पता है कि फिर मुझे महंगा पड़ेगा। तो जाना के साथ क्या किया जाए, मार दिया मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? वो तेरे साथ क्या, तुम जो पेंटर से फटेर का कुर्ता पा लिया है। वेरी फनी। अच्छा इसको ऊपर गौर से देखो। अजी वाह, लगा टंगा हुआ है। अरे लग रहा है कमीज ना गमले जो लाई थी तो कटी। अरे गुलदस्ते बने हुए ऐसे ऐसे प्यारे फूल, तुझे नजर नहीं आता अंधे ने ओले? जाना बचपन से ही लोग पता चल जाता है कि आपने बड़े होके किस फील्ड की तरफ जाना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यू नो आपकी पर्सनैलिटी से निकलना शुरू हो जाती है एज यू ग्रो। ओके। जो सियासत में होते हैं लोग वो कॉलेज की दौर से डिबेट में चले जाते हैं और सियासत में चले जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो लॉयर बन जाते हैं। खैर अभी अभी भी माशाल्लाह। तो आप बताइए कि क्या आप में भी कोई ऐसे जरासीम थे बचपन से या अचानक हमला हुआ है? छोटे होते आई वॉन्टेड टू बी अ राइटर एंड आई वॉन्टेड टू बी अ शेफ। मुझे खाना पकाने का अभी भी बहुत शौक है। हम आपको माने अगर ये बैंगनों का भरता बना के दिखाएं। ऐसा भरता दही मंगवाइए, दमाल मंगवाइए दही बनाते। भैया साहब बैठे एक तरफ जाना, फूलों के साथ यूँ लगता है पहाड़ी इलाके में फूल उगे हुए हैं। पहाड़ी इलाके में फूल उगे हैं, पहाड़ी पे बकरा भी बैठा हुआ। ये तो गाना अब सेट हुआ लार शफी खबर के कमिस्तूर माल रहूंगा, ताजा ताजा गुलूना दरे सलोर माल रहूंगा। भी बताइए जरा जाना को लार शफी खबर से कमिस्तूर माल रहूंगा, जब पिशावर जाओ तो मेरे लिए कमीज लेके आना, काली कमीज ले काली कमीज लेके आना, काली कमीज और दरे सलोर माल रहूंगा जिसके ऊपर तीन चार फूल बने हुए। बहुत मजेदार बातों का सिलसिला जारी है अपने मेहमानों के साथ, लेकिन हमारी मजबूरी, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। डीजे कपिया मिल सांबल यार वे, मैनू भुलिया नहीं अपना उधार वे, मैं होया तेरा शिकार वे, मेरा बंद बेकार बार वे, सुन असले दी चनकार वे, तेरी बुलेट प्रूफ बेकार वे। मियां साहब ये वहां जाना को बड़ा अहम नाम है। जाना तो हर एक जाएगा और ये तो मलिक की जान है ना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। गुफ्तगु का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मियां साहब के हवाले से एक चीज बड़ी मशहूर है कि मियां साहब बहुत लाड करते हैं सहाफियों के साथ और सहाफियों के बड़े लाडले हैं, ये बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल। क्या पहले सहाफत से? बिल्कुल सहाफत से। मेरा बेटा जो शहीद हुआ वो भी जब फारिग था तो वो सहाफत ही क्या करता था, और मुझे खुद भी अगर मैं सियासत न करता तो मैं एक सहाफी होता, और मैं वो सहाफी होता कि अपने कंधे में बैग डाल के गली कूचों में जाके लोगों से पूछता, न कि दफ्तर में बैठ के सहाफी बनता, यानी अवाम से राबता रख के एक सहाफी होता। मुझे बिल्कुल ये फख्र है और सहाफियों से स्टूडेंट लाइफ से एक वास्ता है, और वकीकत यह है कि बड़ा प्यार दिया है। और जब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो उस हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि आप पहले भी उसी तरह थे, आज भी हैं, और इंशाल्लाह आज भी आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि वजारत के बाद भी उसी तरह हैं। लिहाजा ताल्लुक रखना है तो फिर वो ताल्लुक होता है, उसमें रुतबे की कोई गुंजाइश नहीं होती। आज भी मुझे सहाफत भी पसंद है और सहाफी भी पसंद है। अरे वाह।
जी 13 साल की उम्र से जाना यू हैव स्टार्टेड वर्किंग. यस आई डिड. और इतना कॉन्फिडेंस ये कहाँ से? ये कहाँ से? बस खुद से ऐसे ही. इट वॉज जस्ट अ फ्लू. 12 रेडी तो मिल रहे. कॉन्फिडेंस 25 रुपए का बदला ले लो, हफ्ता लग जाता है. मैं जाना बाय बर्थ ही कॉन्फिडेंट. अच्छा जी हाँ. आई गेस मे बी. सो आई वॉज टेलिंग यू, तो मुझे कभी भी शौक ऐसा नहीं था कि मैं कैमरे के सामने आऊं और मैं हीरोइन बन जाऊं और मैं एक स्टार बनूं और ये सारा कुछ हो, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी. लेकिन वी वर सिटिंग एक फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ एंड आयुब खावर साहब वाज देयर. मैंने ऑडिशन लिया और फिर बस फिर ये अचानक हो गया, सरप्राइज हो गया एंड आई नेवर लुक्ड बैक. अच्छा पिछले दिनों में आपके बाल भी कटे हुए थे, बहुत छोटे. हाँ वो क्यों? मुसीबत पखा लाया जाना. फिल्में भी की जोर और मुहाफ़िज़ जोर, तो क्या उसके बाद क्या जोर खत्म हो गया फिल्में करने का? या तो मुहाफ़िज़ नहीं रहा? नहीं आई जस्ट नहीं, टेलीविजन में ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया, सो दैट इज मच मोर कम्फर्टेबल फॉर मी. सो अभी देखो, अभी फिर दोबारा से ट्रेंड शुरू हुआ है मूवीज का, सो लेट्स सी कुछ भी हो सकता है. तो अभी कर रहे हो फिल्म? अभी बताते थोड़ी होते हैं. क्या पूछना जा रहा है? तो जाना, ये जो आपका नाम है जाना जी, ये घर वालों की मर्जी से रखा या फैंस की सहूलत के लिए? नहीं इनको ना ममा मना करती थी कि इधर नहीं जाना, इधर जाना, इधर नहीं जाना. हाँ इधर नहीं जाना तो फिर जाना हो गया. वेरी सैड, वेरी बैड. अच्छा नहीं, मेरा अपना ओरिजिनल नाम है, बल्कि अम्मी को शायरी बहुत कम समझ आती है, सो एक शायर उनको कहीं समझ आ गया किसी उर्दू टीचर के उससे, तो वो था गालिब का शेर था कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए. तो वहां से उनके जहन में ये अटक गया कि ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा नाम हो सकता है. वेरी डिफरेंट. अच्छा अगर ये शेर ना होता तो आप गुमनाम ही रहती थी? नहीं, बिकॉज केपीके में ये नाम काफी कॉमन है, वहाँ जानान कहते हैं. मैंने एक ड्रामा किया था उसमें मुझे एक गाड़ी दी थी उन्होंने जो कि डाला टाइप थी, जो आप लेकर बाहर गए थे, और उस गाड़ी का नाम था ड्रामे, बिकॉज पठान का रोल किया था तो उसने अपनी गाड़ी का नाम जाना रखा. जाना को बड़ा अहम नाम है. जाना तो हर एक जगह, और ये तो मलिक की जान है ना. ये तो मलिक की जान है. जाना मलिक खत्म. जाना मलिक, ये रहमान मलिक, बीना मलिक, ये सारे आपस में. मैं वैसे कक्के से ही मलिक हूँ, बाकियों का नहीं मुझे पता. ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. डीजे बोली बोल मिटी दे बावे की, कोई पी बे दे की खावे, गुरबत हर दम बद दी जावे, कदी भी सुख दा सा ना आवे, रखे कोई बम ते कोई चुप चुपी ते खा कर जावे. हाय जब से प्रोग्राम शुरू हुआ पहले जब मैंने देखा किसी को ये कुर्सी खुली है. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे फरदौस जमाल साहब हैं, कबीर खान साहब हैं, इन सब का ताल्लुक पेशावर से है. दिलीप साहब, पृथ्वीराज, अनिल कपूर, तमाम सारी फैमिली, ये इन सब का ताल्लुक भी पेशावर से ही है. तो दिलीप साहब की जो रिहायशगाह थी वहां पे कहा गया था कि इस पे हम मुजस्मा लगाएंगे, यादगार बनाएंगे यहां पे हम, और इसको बड़ा इसकी वेयर एंड टेयर की जाएगी. आपकी पार्टी के बाद क्या अभी भी वो काम हो रहा है या बंद कर दिया गया? अच्छी बात है. एक तो दिलीप साहब की बात की तो उसको तो इस हवाले से भी एक एजाज हासिल है कि यहां से गया और आज भी इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है. नो डाउट. तो एक हमें उस पर फख्र है. इस हवाले से उसका एक घर है यहां पे पिशावर में रहा करते थे, तो मैं उसको यानी कल्चरल डिपार्टमेंट के लिए खरीद रहा था कि इसको कल्चर डिपार्टमेंट में होना चाहिए और लोग आके इसको देखते रहे, यानी हुकूमती वरसा बने. लेकिन इस हवाले से काफी रुकावटें थी, फिर भी मैंने जाते जाते इतना जरूर किया कि 3.5 करोड़ रुपए उसके लिए रखे हैं और उनके मालिक से बात हुई है. तो मैं इतना कहूंगा कि कोई तलखी ना हो तो मौजूदा हुकूमत से ये मेहरबानी होगी कि हमारा वो अधूरा काम पूरा करके इस घर को यानी महफूज बना रहे, बजाय इसके कि वो मिट जाए. तो ये एक सकाफत की भी खिदमत होगी और दलीप साहब की निशानी भी हमारे यहां जिंदा रहे. जब से प्रोग्राम शुरू हुआ पहले दफा मैंने देखा किसी को ये कुर्सी खुल रही है. आप भी
जाना से प्यारी प्यारी बातें करो जाना जी। जो पहुंची मैंने भेजी है वो पहुंची तुमको पहुंची है, अगर पहुंची है तो लिख भेजो के पहुंची मुझको पहुंची है। क्यों कर रहे हो फिर चला जा भाई आप भी आइए मरना हो गया ये सब एएमपी की और उर्दू स्पीकिंग की क्या लड़ाई है? हमारा तो किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो सारे जहां में प्यार बांटने वाले लोग हैं, अमन की बात करते हैं और शुरू दिन से लेकर आज तक वही बात करते चले रहे हैं कि तशद्दुद से नफरत है, अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, प्यार और मोहब्बत से अमन के मतवाले हैं। लिहाजा ये बात करना कि उर्दू उर्दू वाले भी हमारे जान हैं, पंजाबी भी, सिंधी भी, बलोची भी और पुख्तून तो है ही, लिहाजा इस हवाले से हम एक हैं और ये गुलदस्ता है। गुलदस्ता तो इसमें जो भी फूट डालेगा वो हमारा दुश्मन होगा, वो हमारा दोस्त। अच्छा इतने इतने ही प्यार से आप भाभी के साथ भी ऐसे ही इतने ही प्यार से बात करते हैं? बिल्कुल। तो उन भाभी नाल की छाते च कारतूस रख के गल करते हैं? नहीं, इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं होती कि भाभी के सामने कुछ कहे। स्टूडेंट लाइफ में फिल्में वगैरह तो आप देखते होंगे, कौन सी फिल्में देखी और कौन सा? बहुत सारी फिल्में देखी। अच्छा हुआ कि आपने मेरी शौक की बात आप कर दी। अरे वाह, कि मोहम्मद अली साहब मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, अली भाई, और उसका अंदाज, उसका डायलॉग, सब कुछ जेबा तो थी ही सबको प्यारी जी। और दिलीप साहब पसंद थे और मधुबाला। मधुबाला की आंखें बहुत पसंद थी, उसकी तमाम अदाएं पसंद थी। जब पसंद हो फिर एक चीज पसंद नहीं होती, फिर तो सारा ही बंदा पसंद होता। मधुबाला ने हमारे बड़े बुजुर्गों को खराब किया है। लेकिन आपकी दुआ है कि हम अभी तक ठीक हैं। इफ्तिखार साहब, घर का माहौल कैसा है, सियासी या नीम सियासी? अगर आप सिर्फ घर बार की बात करते हैं वो अलग बात है, अगर सियासत की बात करते हैं तो वो तो मुझे ही मानते हैं। नहीं, घर बार की बात कर रही हूँ मैं। तो लाजमी घर की सियासत तो घर वालों को करनी पड़ती है, हर जगह पे कब्जा नहीं करना चाहिए। आप देखें दो सवाल करके थक गई। अब जाना मलिक आपसे पूछूंगी कि आप काफी अरसे से शोबिज में हैं, लेकिन जिस तरह आप पहले फ्रेश थे आज भी वैसे ही फ्रेश और खूबसूरत हैं, क्या किसी अदालत से स्टे लिया हुआ है? ये बात कभी मेरी देखा, ये जाना से ये कंप्लेंट सिर्फ मैं नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। बताइए। हाँ नहीं पता नहीं, गुड जेनेटिक्स आई गेस। मेरी नान के जो है वो कश्मीरी भी हैं और थोड़ा सा मैदान का भी थोड़ा सा मिक्सचर है बीच में। कहाँ कहाँ फैले हुए, पूरे पाकिस्तान, पूरा मुल्क है हमारा अपना, तो हर जगह पहुंच जाती। ये सर हमें सिर्फ लिंक ढूंढना है, वी ऑल आर रिलेटेड, माय बिलीफ इज दिस। है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर पिशावर है तो उसका अपना मजा है, लाहौर है उसका अपना मजा है, क्वेटा का अपना मजा है, कराची का अपना मजा है, और खुदा ये मजा बरकरार रखे। नमाल भाई पता की बात आपको बता रहा हूँ, आप भी सारे सुन लो। बताओ नारे पाकिस्तानी याद कर। हाँ चबुर्जी नाल मंगया सी से? यादगर ने जवाब देते ही। क्यों भाई? चबुर्जी के पर्स चो फैसलाबाद घंटा करते हैं, तस्वीर निकल आई। यादगर तुम पता अगला बंदे खिलोण वाला, उन्हें जवाब देता कहने चबुर्जी आवारा जाएगी चौक च खड़ी रही, ढोला वड़ के सुते रहते। इन्हों दोनों का रिश्ता कराया से लाड़काने ने, लाड़काना तो सादकाबाद दो भी मासी फूफी देने ना। हाँ तो सादकाबाद मंगया बिहाड़ी वाल, बूरे आले ने चीचा वतनी ने रल के इन्हों का विह कराया। अच्छा हाँ जी, समुद्री नहीं समुद्री। हाँ रजाने लाई जाती चूड़काना तो पिंडी पट्टिया दो आप सांडू ने ना। मैं सारा कुछ दसा ननकाना साहब ने। क्यों भाई? ननकाना साहब से जड़ा आला दो कलाश फैलो ने ना, तो जड़ा आले के हथों हड़प्पा मरिया। नमान भाई किसी या पिछे जो पिंडी का हैदराबाद का रौला सुनिया, उस अल्लाह ने बाईपास दिता ही।
ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਰੇ ਇਸ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਸਾਧੋ ਕੀ ਔਰ ਕਾਮੋ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੌਕਨੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਧੋ ਕੀ ਤੇ ਕਾਮੋ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਬਾਤ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾ। ਗੜੀ ਸੌ ਨੀ ਗੜੀ ਸੌ, ਗੜੀ ਸੌ ਤੇ ਇਛਰਾ, ਰਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਂਗ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਧਰ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇਲ ਰੋਡ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਨੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਸੀਕੀ ਸੇ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੋ ਸੁਣਤੇ ਹੈ? ਮੌਸੀਕੀ ਸੇ ਕਾਫੀ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਨਾਸ਼ਨਾਸ ਕੋ ਸੁਨਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਖਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਕੇ, ਔਰ ਗੁਲਨਾਰ ਬੇਗਮ ਕਮਰ ਗੁਲਾ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਮੇ ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਉਸਕਾ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ, ਔਰ ਨਸੀਮ ਬੇਗਮ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਤੋ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲਤਾ ਕਾ ਤੋ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ, ਔਰ ਸੁਨਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੀ ਵਸੀ ਚੋਇਸ ਆਪ ਕੀ ਤੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਕ ਗਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਅਕਸਰ ਗੁਨਗੁਨਾਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗਜ਼ਲ ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸਕਾ ਗਾਇਆ ਹੁਆ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਤੋ ਸਭੀ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਤੂ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁਆ ਹੈ ਮੁਝਕੋ, ਤੂ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁਆ ਹੈ ਮੁਝਕੋ, ਯੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਗਮ ਦੌਰਾਂ ਕਭੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਨੇ ਵੋ ਸਾਂਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਰੱਖ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਝ ਪੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤੁਝੇ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਝੇ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਤੋ ਸਭੀ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਰਬਤ ਪਿਆਉਣਾ ਫੜ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ। ਅਬ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲੇਂਗੇ ਟਵੈਂਟੀ ਟਵੈਂਟੀ। ਜੀ ਟਵੈਂਟੀ ਟਵੈਂਟੀ, ਯੇ ਸਭ ਆਪਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਆਤਾ ਹੈ ਵੋ ਬੋਲ ਦੀਜੀਏਗਾ ਸਰ। ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਕਿਆ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਡੂ ਮੋਰ ਯਾ ਨੋ ਮੋਰ? ਦਿਲ ਤੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੋ ਮੋਰ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਅਮਨ ਆਏ। ਕੌਨ ਸਾ ਖੇਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯਾ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ੀ? ਦੋਨੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕੁਛ ਔਰ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੌਨ ਸਾ ਕਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਯਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ? ਦੋਨੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਦੋਨੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਦੋਨੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਮੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਸਰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਯਾ ਜਹਾਂਗੀਰ? ਮੈਂ ਤੋ ਗਰੀਬ ਸਾ ਬੰਦਾ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਮੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੋਨੋ ਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਕਾ ਗਾਜ਼ੀ ਯਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾ ਗਾਜ਼ੀ? ਕਿਰਦਾਰ ਤੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਆਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਯਾ ਪਹਿਲਾ ਲਵ ਲੈਟਰ? ਨਾ ਤੋ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਬੂਕਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਮਾ ਸੱਚੇ ਸਰ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰ, ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ?
मुझे तो जरदारी साहब पसंद है कि इस हवाले से उनकी कुर्बत भी हमसे थी और एक इत्तेहादी भी हम रहे हैं और हमारे बहुत दीरीन मसाइल उन्होंने हल किए थे। बिल्कुल ठीक सर। कौन सा काम आसान है, अपोजिशन को संभालना या बेगम को संभालना? हमारे यहाँ बेगम को संभालना तो जरा आसान होता है बनिस्बत आपके। यानी तो अगला उन्होंने भी पता है। सर इलेक्टेड कैबिनेट या किचन कैबिनेट? किचन कैबिनेट अक्सर फैसले किया करते हैं और उनका आपस में राज होता है। जमहूरी अंदाज में तमाम कैबिनेट हो तो अच्छा है, इलेक्टेड कैबिनेट। ओके। आला की आदत से अगर झगड़ा हो जाए तो रेस्ट करते हैं या एडजस्ट करते हैं? खुदा न करे हमेशा ही एडजस्ट करते, लेकिन हम बड़ों की इज्जत करते हैं, लड़ाई नहीं करते। कान किस चीज के आदि हो चुके हैं, धमाकों की आवाजों के या जलसों के नारों के? बदकिस्मती से धमाकों के। अच्छा नई गाड़ी लेंगे तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करेंगे, नसीब अखबल अखबल दे या पप्पू या अर्थांग न कर? कुछ भी नहीं लिखे, नई गाड़ी दो। जी कितने नंबर देंगे मियां साहब? हजरत साहब इनके पूरे के पूरे 100। अच्छा, इतने शफीक हैं और इतने मजे के उन्होंने जवाब दिए, मीठे मीठे जवाब। 100% सर मेरी तरफ से 105 नंबर है। 100 प्रोग्राम के 5 हमारी मोहब्बत के। अरे वाह, बहुत सही तालियां मियां साहब के लिए। जी जनाब, अगर आपको जेल हो जाए तो किसके साथ अपना सेल शेयर करेंगी, वीना मलिक या रहमान मलिक? दोनों दोनों, हम तीनों बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। गुस्से में सामने वाले की क्या चीज उड़ाना पसंद करती है, धज्जियां या उसका रंग? जब धज्जियां उड़ाती हूँ तो फिर उसका रंग भी उड़ जाता है ऑटोमेटिकली। कौन से लोग पसंद करती हैं, दिल देने वाले या तोहफे देने वाले? तो उसे वो दे दे, दिल में दे दूंगी। कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक या ग्रीन? आई गेस दोनों। ख्वाब में अगर किसी को मिलना चाहे तो इनमें से कौन आप प्रेफर करेंगी, गुलाम अहमद बलोर या आबिद शेर अली? मजा ले आगे जोड़ी कड़ी बनाई है। वाह वाह, अल्लाह बुला जोड़ी। आप शेर अली साहब की तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, गुलाम अहमद बलोर साहब की बात आप कैसे करते हैं? आई लव यू कहने में उन्होंने आई लव यू कहने में सरबर पे होना पड़ा। मोहब्बत की कोई जुबान नहीं। कितने नंबर देंगे साहब? अजी मेरे तरफ से तो कोई 87 बनते हैं। बहुत सारी बातें छुपाई हैं। छुपाई नहीं, नहीं। आप पप्पू जी? मैं तो दे दूंगा तकरीबन 95 नंबर मेरे तरफ। वजह? पांच में अपने को भी तो रखने को है। जहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी से दोबारा वापस आते हैं क्योंकि वहां पर उस वक्त बड़ा काम होता है। जी डीजे बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, मानेगी क्या बातें सारी गवर्नमेंट तालिबान की, अदब सकाफत आर्ट की बातें सुर में डूबी ठंडी रातें हो गई हैं ना पैदा बाजें रेडियो पाकिस्तान की, सिंध फेस्टिवल एनी प्रिंसेस वेखो बिलावल दा इंसाफ, खांसी के शरबत पे सुन लो ताने राहत खान की। हाँ मईशत पर चला है जो वो खंजर भी नकीला है, चल रहे हैं जिसपे सिस्टम वो ढीला है, जी वेलकम टू मुजाकरात। मुलाकात करवाते हैं आपकी इफ्तिखार अहमद साहब के साथ जो हमारे 5 फरवरी के प्रोग्राम के विनर हैं और बजरिए कुरंदाजी और रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये मोटरसाइकिल जीते हैं। आइए इफ्तिखार भाई। तो इफ्तिखार भाई कहाँ से ताल्लुक है? इस्लामाबाद से ताल्लुक है। तो आपने वो क्लिप देखा था? जी बिल्कुल। तो कौन सी फिल्म से हमने वो क्लिप लिया था? दिल मेरा धड़कन तेरी। दिल मेरा धड़कन तेरी। फिल्में देखने का शौक है आपको? सब पहले था जब जवान थे, अब तो जब फिल्में भी अच्छी बनती थी। तो करते क्या हैं आप? इस्लामाबाद में इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है इस्लामाबाद। इफ्तिखार भाई
चलानी आती है? जी चलाता रहा हूँ, लेकिन आप क्योंकि गाफिल से छोड़िए, जब तक गाड़ी चला रहा हूँ ये नहीं चला रही, इस वजह से मेरी यार चाचा जी बुजुर्ग आदमी ना जी, मैं छोड़ के ना गाड़ी स्टार्ट करके, तो मैं ठीक है जी पप्पू जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वहाँ तक वो ले जाते हैं, बहुत सारी तालियां बजाइएगा मेरे भाई के लिए, बहुत बैठिए आओ जी, बहेंगे नहीं होंगे बहुत ही, मैं बेगम बहनी होंगी लो जी, मैं पिंडी तक छोड़ के आया है, यहाँ मैं आप सब लोगों को बताता चलूं अपने 10 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, जो बजरिया कुरंदाजी जीते हैं रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई है मोटरसाइकिल, उनका नाम है आसिफ नदीम और नदीम भाई का ताल्लुक है साहिबाग से, सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई है मोटरसाइकिल, बहुत सारी तालियां बजाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के स्पेशली पेशावर से आए हैं, हमें हम सबको रियली बहुत अच्छा लगा है आपके साथ ये प्रोग्राम करते हुए, एंड थैंक यू वेरी मच जाना जी, थैंक यू फॉर वेरी स्वीट एंड काइंड ऑफ यू, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। सर प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे एक गाना पेश करते हैं जो कि हमारे कौम की दिल की आवाज है, आपके खिदमत में सर पेश करना चाहेंगे। कश्मीर